के जमात इस्लामी का रावलपिंडी धरने के मकाम से फैज़ाबाद तक मार्च का आगाज़ हो गया है, जिसकी क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कर रहे हैं। 14 रोज़ के धरने के बाद जमात इस्लामी ने यह फैसला किया कि वो मार्च करेगी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी धरने के मकाम से फैज़ाबाद तक मार्च का आगाज़ हो गया है, जिसकी क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली से। उमैद, आगा कीजिएगा, लियाकत बलोच इसकी क़यादत कर रहे हैं मार्च की। जी देखिए, बिल्कुल जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर्रहमान ने आज 8 अगस्त को जो है मई रोड पर मार्च का ऐलान कर रखा था। तहम लियाकत बाग के जो मकाम है जहाँ पे उनका धरना दिया हुआ था, मई रोड पर उनका जो मार्च था वो फैजाबाद की तरफ रवाना तो हुआ, तहम उसमें जो है उन्होंने मार्च को टर्न लिया कमेटी चौक पे, जो मई रोड का मकाम कमेटी चौक था, वहां से उन्होंने मार्च को जो है वापस अब जो है ना उसे मोड़ लिया है। वो मार्च जो है मार्च जो शुरू किया है वो वापस उसी मकाम जहाँ पे धरना दिया हुआ जमात इस्लामी लियाकत बाग वो वहाँ की तरफ जो है रवाना है। तमाम जो नायब अमीर जमात इस्लामी है लेकर रोज वेज से जो मार्च है उसकी कदर कर रहे हैं। तमाम ये मार्च तो जो है उन्होंने इंडिया दिया था कि हम जो है उसका इम्कान था कि शायद वो फैजाबाद तक पहुंचे या फैजाबाद से आगे जो है मजीद जाए, लेकिन तमाम उनको जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस या उनकी हुकूमत के साथ मुजाकरात हुए थे, उसके बाद जो है अब हमने देखा कि जो मार्च फैजाबाद की तरफ जाना था, रवाना होना था, जो इस्लामाबाद की तरफ जाना था, वो मार्च जो है वो कमेटी चौक से वापस जो है मार्च के शुरू का इस वक्त हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उमैद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।